नीट के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्प्रिन फॉर्मेशन। एस्प्रिन फॉर्मेशन किससे होता है? सैलिसिलिक एसिड की आप एसिटाइलेशन करवा दो तो जो ये है एस्प्रिन उसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे सिर में दर्द होता है ना आपके, तब एस्प्रिन लेते हैं, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है उस चीज की बात करते हैं। फिर सैलिसिलिक एसिड क्या है उसकी बात करेंगे यहाँ पे, और एसिटाइलेशन कैसे होता है उसकी बात करने वाले हैं। नीट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो सारा जो मैटर है यहाँ पे करवा देता हूं मैं। एस्प्रिन फॉर्मेशन में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये रिएक्शन किसकी है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन है। अब सैलिसिलिक एसिड कैसे होता है, अब देखो यहां पे अपन OH लगा देते हैं, यहां पे COOH, ये है आपका सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड, ओके। अब इसका एसिटाइलेशन करवाना है, एसिटाइल ग्रुप CH3, सी डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, तो वो किस किस से मिल सकता है? जैसे एनहाइड्राइड की बात कर ले उससे मिल जाएगा। अपन देखो यहां पे बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे C डबल बॉन्ड O O CH3। अब यहां से देखो ये ग्रुप आपको एसिटाइल ग्रुप मिल जाएगा। अगर इस एसिटाइल ग्रुप को अपन यहां पे जोड़ दें सैलिसिलिक एसिड के साथ, तो आपके पास एस्प्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। एस्प्रिन को जो IPAC नेम है वो क्या हो जाएगा, और तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। एसिटाइलेशन करवाया अपन, तो अपन करते हैं इस पे, ये एनहाइड्राइड है, एसिल क्लोराइड से भी आप एसिटाइल ग्रुप ले सकते हैं। अपन यहां पे एनहाइड्राइड की बात करते हैं, जो ये एनहाइड्राइड है उसकी CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे OCOCH3, ये बात कर लेते हैं। अब देखो बात क्या होगी, माइनस प्लस, यहां से माइनस प्लस, ओके, ये यहां से टूटा, ये यहां से टूट गया। अब इस पे जोड़ना है बस, एस्प्रिन का फॉर्मेशन हो गया। ये देखो ये सी डबल ओ एच यहां पे ऐसे कैसे रहेगा, इसके बाद में ये जो ग्रुप है ये यहां पे अटैच हो जाएगा, कैसे, ये देखो ओ था ही, यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3, ये है यहां पे आ गया, ये है एस्प्रिन आपकी। ये क्या है? एस्प्रिन। ये क्या हो जाएगी? एस्प्रिन। इसका IPAC नेम लिखे तो क्या हो गया, ऑर्थो पे एसिटाइल है, ऑर्थो पे ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ओके, ये हो गया। तो इस प्रकार आप एस्प्रिन फॉर्मेशन कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेरी बात सुनो, क्या किया अपन ने, सैलिसिलिक एसिड लिया, एनहाइड्राइड लिया, उससे एसिटाइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप कहीं से भी मिल जाए आपको सैलिसिलिक एसिड पे, ये वाला ग्रुप मिल गया ना, तो आप ये एस्प्रिन फॉर्मेशन कर सकते हो। कौन सा ग्रुप? CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, कौन सा, एसिटाइल, ओके। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया एस्प्रिन फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन है, NCERT की रिएक्शन है, कोई मैकेनिज्म याद नहीं करनी है भाई इसकी, सीधी रिएक्शन आएगी, ओके, तो करो नोट।